अनेक स्थान और मंदिर मौजूद हैं, जिनमें उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भी अपने धार्मिक आस्था के लिए विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान तथा धार्मिक रूप से विशेष रूप से अपनी प्रसिद्धि रखता है। भारत के अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू निवास करता है, वह जीवन में एक बार भारत के इस उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में अपनी धार्मिक यात्रा की कामना जरूर करता है। उड़ीसा सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं, अपने मनमोहक समुद्र, यहाँ का रहन सहन, खान पान तथा यहाँ की हरियाली लोगों को विशेष रूप से अपनी तरफ आकर्षित करती है। और यही कारण है कि देश भर के अलावा दुनिया का प्रत्येक पर्यटक एक बार जगन्नाथपुरी उड़ीसा की अपनी यात्रा जरूर करता है। अगर आपको धार्मिक यात्रा के अलावा धार्मिक आस्था, प्राचीन इतिहास और अपनी धार्मिक यात्रा के अलावा प्रकृति से विशेष रूप से आप दिलचस्पी रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक बार आपको उड़ीसा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद में इनके माध्यम से हम लोग तस्वीरें ले रहे हैं, समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं। काफ़ी दर्शक, काफ़ी शरणार्थी आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे जस नहा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं समुद्र के किनारे। वाकई पूरी जगन्नाथपुरी वाकई है पावन चार धाम में से एक धाम है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। वाकई ये तकदीस करती है, ये लहरें हैं समुद्र के घाट की नज़ारा, वाकई जो है कितना खूबसूरती, वाकई यहाँ पर आए आप देखें खूबसूरती क्या चीज़ होती है, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और इसका स्नान कर रहे हैं, कैसे समुद्र के पानी के जो लहरें हैं उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये देखिए लहरें जो है किस हिसाब से मेरे पास बस आ ही रहा है थोड़ी बहुत देर में। देखिए देखिए ये देखिए आनंद, वाकई मधुरता वाकई सलीनता वाकई दिल को खुश कर देगा। थैंक यू जगन्नाथपुरी से। भाई नाम क्या है आपका? सुमन सिंह जी के साथ संत कुमार गोस्वामी की ये विशेष रिपोर्ट। फिर अगले यात्राओं के बारे में जिक्र होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय जगन्नाथ धामपुरी, जय जगन्नाथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।